अगर आपने अपने YouTube चैनल को 10 बार से ज्यादा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है और आप परेशान हो रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है किस वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट होगा, एक्चुअल में कौन सी ऐसी वीडियो है जिसे डिलीट या प्राइवेट कर दूं और चैनल मोनेटाइज हो जाए, आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को। दोस्तों सबसे पहले एक भाई ने टेक्निकल वर्ल्ड नाम से, जिन्होंने मुझे 40 रुपए का थैंक्स भेजा है एक मेरी वीडियो पर जो कि मैंने कल अपलोड की थी, उसके लिए दिल से धन्यवाद है, थैंक यू सो मच है। और मैंने इनके चैनल को भी ओपन किया और इनके चैनल को जब देखा तो फिर उनके चैनल पर मुझे वीडियो भी बेहतर लगी और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। रीयूज्ड कंटेंट किस वीडियो पर आता है, फाइंड कैसे करें। रीयूज्ड कंटेंट बहुत तरीके से आ सकता है। चाहे अब आप सोचिए रहे हो कि मैं अपनी चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं अपलोड करता जो कि दूसरे की हो, तब मेरे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट क्यों आता है, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, तब भी आपके चैनल पर रीयूज्ड आ सकता है क्योंकि आपकी वीडियो में वैल्यू नहीं है। वैल्यू कैसे नहीं है मैं बताता हूं। आप कहीं पर गए, कोई फंक्शन में गए, वहां पर एक वीडियो शूट कर लिया और बैकग्राउंड में आपने एक म्यूजिक लगा दिया और वो जो वीडियो रिकॉर्ड किया है आपने, वो रिकॉर्डिंग तो आपकी खुद की है ना, लेकिन म्यूजिक भी आपने ऐसा उठाया जो कि कॉपीराइट नहीं आएगा, क्रिएटिव कॉमन वाली म्यूजिक उठाइए बिना कॉपीराइट वाली, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तब आपने सोचा आप तो चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ज्यादा लोग देखेंगे, व्यूज भी ज्यादा आएगा, लेकिन इस वीडियो में आपकी वैल्यू कुछ नहीं है, आपका एफर्ट ज्यादा है, आपकी मेहनत ज्यादा है, आपकी एडिटिंग ज्यादा है, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है, इसलिए आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। इसे बोलते हैं रीयूज्ड कंटेंट। पॉइंट नंबर दो, किस टाइप की वीडियो अपलोड करें कि रीयूज्ड कंटेंट आए ही ना। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीयूज्ड कंटेंट सिर्फ उन टाइप की वीडियो पर नहीं आती जो वीडियो अपनी खुद की होती है और उसमें वैल्यू होता है, कमेंट्री होता है, एजुकेशनल वैल्यू होता है, पर्पज क्लियर होता है। अब एजुकेशनल वैल्यू क्या होगा और पर्पज क्लियर होगा और कमेंट्री क्या है, मैं आपको एक एक चीजें बता देता हूं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये वीडियो एडवांस लेवल की होने वाली है रीयूज्ड कंटेंट पर, तो बहुत ध्यान से समझो। जो आपने वीडियो अपलोड करा है उस वीडियो में क्या आपने अपनी आवाज डाली है, क्या जो यूट्यूब पर आपकी वीडियो देख रहे हैं उन्हें कोई वैल्यू मिल रही है, क्या आपने उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा ग्राफिक यूज किया है जो कि रिलेट कर रहा है आपकी आवाज से। अगर आपने ये काम किए हैं तो आपका चैनल डेफिनेटली मोनेटाइज होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो पॉइंट नंबर तीन, बहुत बार क्या होता है कि हम यूट्यूब चैनल पर अपने लॉन्ग वीडियो डाल देते हैं और एक नया चैनल क्रिएट कर लेते हैं जिस पर कि हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। अब जब लॉन्ग वीडियो जो डाल रखी थी उन्हीं वीडियो का हमने शॉर्ट वीडियो बना लिया है, शॉर्ट वीडियो जब बनाया तो उस वीडियो को हमने अपने शॉर्ट चैनल पर अपलोड कर दिया और लॉन्ग वीडियो पर भी बड़ी जो दूसरा चैनल है जिस पर लॉन्ग वीडियो डाली है वहां पर लॉन्ग पड़ा है, तो रीयूज्ड कंटेंट आएगा क्योंकि आपके शॉर्ट वीडियो पर रीयूज्ड कंटेंट है। तो इस टाइप की वीडियो आपको नहीं अपलोड करना है, इस गलती को नहीं करना है। अगर आपने एक ही चैनल पर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों डाल रखी है, शॉर्ट वीडियो में सिर्फ सॉन्ग पर लिपसिंग करते हो, जैसे रील और टिकटॉक की वीडियो बनाई जाती थी, वैसे अगर आपने शॉर्ट वीडियो बना रखा है तो आपको उन सभी वीडियो को प्राइवेट करना होगा मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले, इस बात को ध्यान रखना। पॉइंट नंबर चार, शॉर्ट वीडियो से क्या रीयूज्ड कंटेंट आता है। मेरा जवाब होगा यस, डेफिनेटली आता है। शॉर्ट वीडियो से रीयूज्ड कंटेंट कैसे आ सकता है मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम की वीडियो उठाकर शॉर्ट पर अपलोड कर देते हैं, वो रीयूज्ड होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो उठाई और उसे अपलोड कर दिया शॉर्ट पर, तो रीयूज्ड कंटेंट इसीलिए होता है क्योंकि उस पर आपकी कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड की जाती। वैल्यू का मतलब मेरा हमेशा यही रहता है, आपको फिर बता देता हूं, एजुकेशन हो, कोई जानकारी हो, कोई इंटरटेनमेंट हो, कोई नॉलेज हो, जैसे कि आप अपना सॉन्ग बना सकते हैं अपना खुद का, आप अपना एक चैनल बना सकते हैं एजुकेशन का, आप अपना मोटिवेशन का चैनल बना सकते हैं, आप एक टेक का चैनल बना सकते हैं, ब्लॉग का बना सकते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग डाल सकते हैं, इस पर मोनेटाइजेशन भी ऑन रहेगा आपके चैनल का, फंड भी मिलेगा आपको यूट्यूब से, राइट। ये चीजें ध्यान रखना। दोस्तों पॉइंट नंबर पांच,
किस टाइप की वीडियो हम यूज करें जिससे कि रीयूज्ड कंटेंट ही ना आए। दोस्तों आपको एक काम करना होता है, यूट्यूब पर जाओ, कोई भी जो वीडियो आप सर्च करना चाहते हो सर्च कर लो, फिर आप फिल्टर में आ जाओ और क्रिएटिव कॉमन की वीडियो को यूज करो। क्रिएटिव कॉमन की वीडियो पर क्लिक करो, उसकी वीडियो को आप डाउनलोड कर लो या फिर रख लो। डाउनलोड करना यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, जाहिर सी बात है आप डाउनलोड ना करें वहां से, जैसा भी हो सकता है देख लो। उसके बाद उस वीडियो को आप अपने वीडियो में ऐड करो, उस वीडियो को अपने वीडियो में ऐड करो, लेकिन आपकी आवाज होनी चाहिए उस वीडियो में, आपका वैल्यू जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं क्रिएटिव कॉमन की वीडियो आप यूज करोगे रीयूज्ड पर्पज ओनली होता है, लेकिन उसमें आपको वैल्यू पुट करना होगा। यूट्यूब ने अपनी डिटेल में यह बताया हुआ है कि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम आपके चैनल को मोनेटाइज कतई नहीं करेंगे। लास्ट एक एडवाइस आपको मैं देना चाहूंगा, उसके बाद हम कमेंट सेक्शन पिक करने वाले हैं। आज से एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। हर एक वीडियो में वो सारे कमेंट शेयर करूंगा जो कि आप लोगों ने मोटिवेशन के लिए मुझे मोटिवेट किया है कमेंट करके। तो अब मैं आपको बता देता हूं, लास्ट में एक टिप बता देता हूं, मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले आप अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में देख लेना किसी दूसरे का कुछ भी ना हो, अगर थोड़ा भी गुंजाइश है तो उस वीडियो को प्राइवेट कर देना। और जो नई वीडियो अपलोड की जो लास्ट में मोनेटाइजेशन लास्ट में, उस वीडियो का आपको देख लेना कोई दिक्कत ना हो, राइट। ये दो काम देख लेना। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक जरूरी है, आपको डिस्क्लेमर भी जरूरी है, ये सारी बातें ध्यान रखना, उसके बाद अप्लाई कर देना, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारा काम कर लिया या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि आईडी यहां पर दिख रही है। जब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं मैं आपको वहां पर प्रॉपर डिटेल में बात करता हूं आपसे और डिटेलिंग करता हूं। आपको बता दूं जब भी आप पेड मेंबरशिप ले रहे हो तब आप मुझे वीडियो कॉल जरूर कर ले, बिना वीडियो कॉल किए हुए पेड मेंबरशिप आपको नहीं लेनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आपको बता दूं जब आप हमारी पेड मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपके चैनल का ए टू जेड रिव्यू करते हैं, फिर आपके चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज भी होता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन पिक करते हैं और कमेंट जो मोटिवेट करते हैं उन कमेंट को हमने पिक किया है। और यहां पर जीके वर्ल्ड ट्यूब ने लिखा है, थैंक सर आप बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, थैंक यू सो मच। यहां पर एक भाई ने और लिखा है कि हाय सर गुड नाइस वीडियो बेस्ट, थैंक यू सो मच। यहां पर एक भाई ने और लिखा है एसके फरुखाबाद ने, हम आपके सारे वीडियो देखते हैं। एसके फरुखाबाद कह रहे हैं वेरी नाइस गुरुजी, वेरी ग्रेट गुरुजी, प्रभाकर सर जी बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन अस।